इस वीडियो में हम पीएच स्केल और एसिड्स और अल्कलीज के अन्य सिंपल इंडिकेटर्स के बारे में जानेंगे। हम जानते हैं कि कोई भी चीज एसिडिक, न्यूट्रल या अल्कलाइन क्यों होती है। कोई भी चीज एसिडिक, न्यूट्रल या अल्कलाइन है, इसे एक इंडिकेटर का यूज करके पता लगाया जा सकता है। इंडिकेटर्स वे पदार्थ होते हैं जो एसिडिक या अल्कलाइन वातावरण में अलग रंगों को दर्शाते हैं। लिटमस पेपर एक सिंपल इंडिकेटर है जो हमें ये बताता है कि कोई भी चीज एसिड है या अल्कली। लिटमस एसिड में लाल और अल्कली में नीला होता है। लिटमस पेपर लाइकेंस से बनता है जो सैकड़ों वर्षों से कपड़ों को डाई करने के लिए यूज किया जाता है। इसे एक लिक्विड या पेपर के रूप में यूज किया जा सकता है। पेपर ज्यादा आसान और भरोसेमंद होता है। ये लाल लिटमस पेपर और नीले लिटमस पेपर के रूप में आता है। लाल लिटमस पेपर अल्कलाइन कंडीशंस में लाल से नीले रंग में बदल जाता है, लेकिन एसिडिक कंडीशन में ये रंग नहीं बदलता। नीला लिटमस पेपर एसिडिक कंडीशंस में नीले से लाल रंग में बदल जाता है, लेकिन अल्कलाइन कंडीशंस में इसका रंग नहीं बदलता। तो बस याद रखें कि लाल लिटमस पेपर अल्कली के लिए रंग बदलता है और नीला लिटमस पेपर एसिड के लिए रंग बदलता है। लेकिन लिटमस पेपर हमें केवल ये बताता है कि कोई भी चीज एसिड है या अल्कली, लेकिन ये नहीं बताता कि वो कितना एसिडिक या अल्कलाइन है। इसके लिए हमारे पास पीएच स्केल और एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है। यूनिवर्सल इंडिकेटर विभिन्न इंडिकेटर्स या डाइज का मिश्रण होता है जो कई रंगों में बदल सकता है, और इसलिए ये हमें सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू भी बताता है। इसे भी एक लिक्विड या पेपर के रूप में यूज किया जा सकता है। पीएच 0 से 14 तक मापा जाता है। 0 बहुत ज्यादा एसिडिक, 7 न्यूट्रल और 14 बहुत ज्यादा अल्कलाइन होता है। स्टमक एसिड लगभग 2 पीएच के साथ एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। एसिड रेन का पीएच लगभग 5.5 होता है। 7 पीएच के साथ शुद्ध जल न्यूट्रल होता है। समुद्री जल थोड़ा अल्कलाइन होता है। साबुन वाला पानी एक स्ट्रॉन्ग अल्कली है और ब्लीच पीएच 13 के साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग अल्कली है। पूरे पीएच स्पेक्ट्रम को कवर करने की अपनी क्षमता के कारण ही यूनिवर्सल इंडिकेटर को इसका ये नाम दिया गया है। ऐसे और इंडिकेटर्स भी हैं जिनका यूज दूसरे रंगों के लिए किया जाता है, लेकिन अभी आपके लिए इन दोनों को जानना ही काफी है। हम एक पीएच मीटर का यूज करके पीएच की और भी एक्यूरेट रीडिंग प्राप्त कर सकते हैं जो हमें 0.01 पीएच तक की रीडिंग्स दे सकता है। तो इस वीडियो में आपने देखा कि इंडिकेटर्स हमें बता सकते हैं कि कोई भी चीज एसिडिक है या अल्कलाइन और ये कितनी एसिडिक या अल्कलाइन है। लाल लिटमस पेपर अल्कलीज के लिए और नीला लिटमस पेपर एसिड्स के लिए रंग बदलता है। और यूनिवर्सल इंडिकेटर हमें और अधिक डिटेल में ये भी बता सकता है कि 0 से 14 पीएच स्केल पर एक सोल्यूशन कहाँ होना चाहिए। 0 से 6 तक एसिड्स, 7 पर न्यूट्रल और 8 से 14 तक अल्कली होते हैं।